बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस बार जो है जातिगत समीकरण के अलावा जो माहौल है वो माहौल काफी ज्यादा इफेक्टेड है कि वहां पे किस तरीके के माहौल है। आप सोचिए, कन्नौज से अखिलेश यादव कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी और यही सुब्रत पाठक जो है उनको हराए थे, और सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से वहां पे ताल ठोक रहे हैं, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी ने अंतिम वक्त में, नामांकन के अंतिम वक्त में, अखिलेश यादव ने अपने भतीजे, अपने चचेरे भाई का टिकट काट करके वहां पे हटा करके खुद भी मैदान में उतरा है। और खुद वहां पे आप सोचिए कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का विधानसभा में हर सरकार दावा करते हैं, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवाद दूसरा विपक्षी दल का सबसे बड़े नेता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और उनको राहुल गांधी को अपने क्षेत्र में बुलाने की जरूरत पड़ गई वहां पे अपने लिए वोटर मांगने के लिए वोट। ये खुद जाकर के पूरे प्रदेश भर में और कई राज्यों में अगर बात करें तो जाकर के समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए, और खुद के लिए राहुल गांधी को बुला करके वोट मंगवाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए भी इतनी आसान नहीं है, समाजवादी पार्टी भी फूंक फूंक करके कदम रख रही है, क्योंकि उनको पता है कि एक संदेश देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो वोट प्रतिशत है, अब पिछली बार जो चूक हुई है, जो सुब्रत पाठक जीते और डिंपल यादव हारी, वो चूक फिर से दोहरा न दिया जाए, और ये इस बार ये चूक नहीं करना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गढ़ है वो समाजवादी पार्टी का, सुब्रत पाठक के लिए इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं है। भले वो दावे कर रहे हो, भले वो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हो कि हम अखिलेश यादव को हराएंगे, वोटर उत्साहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट कर रहे हैं, पिछली बार भी समीकरण इतनी आसान नहीं था जीतने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि केंद्र और राज्य में सरकार थी, मोदी लहर थी, एक अलग माहौल बना हुआ था, और इस तरीके से 10 साल हो गए हैं, 10 साल में अलग अलग मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जाना हो रहा है। एंटी इंटेंशन, आप अपनी बात थोड़ी देर के लिए